हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म नेक्स्ट। टुडे वी हैव सम बॉम्बास्टिक न्यूज़ फॉर ऑल द डूम फैंस आउट देयर। ऐसा लग रहा है कि हमारा वेट फाइनली ओवर होने वाला है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि डूम 4 लाने के लिए यशराज फिल्म्स अपना कमर कस लिया है। और आप सभी को पता ही होगा कि डूम 4 का क्रेज तब भी था और आज भी है, लेकिन अभी कपल ऑफ डेज के बाद डूम 4 का क्रेज पहले से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी कपल ऑफ डेज पहले एक लीड मिली थी कि डूम 4 मूवी में मे बी शाहरुख खान या फिर रणबीर कपूर नजर आएंगे। और इसके ऊपर भी हमने हमारे चैनल पर वीडियो बनाए थे, सो इफ यू लाइक इट यू कैन वॉच इट, जिसमें हमने कहा था कि अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सो टेक एज अ रूमर। लेकिन दोस्तों, आज का न्यूज देखने के बाद लग रहा है कि देयर माइट बी समथिंग इन प्रीवियस न्यूज। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा से ये हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। सो लेट्स डिस्कस राइट नाउ कि अभी तक हमें क्या क्या पता चला है। खैर, आदित्य चोपड़ा इस प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे हैं, ताकि ये श्योर हो सके कि ये पिछली फिल्मों की लेगेसी को बरकरार रख सके। स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और विजय कृष्ण आचार्य संभालेंगे, इसीलिए वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस मूवी We might get something more exciting। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र के बिहाइंड मैन अयान मुखर्जी धूम 4 का डायरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ बातचीत चल रही है। आदित्य चोपड़ा वॉर 2 में उनके काम से हैरान है और उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जबकि अयान मुखर्जी वॉर 2 और ब्रह्मास्त्र में व्यस्त हैं। वेल, अब ये बात अयान मुखर्जी के ऊपर है कि वो धूम 4 का डायरेक्शन करेंगे या फिर नहीं। ए क्लोज्ड सोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिवील्ड दैट कि आदित्य चोपड़ा धूम 4 को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी एम्बिशियस फिल्म बने। वे इसे मेगा हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां तक कास्टिंग की बात है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन हम 2025 के मिड तक इसके बारे में और अधिक सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या आप धूम 4 को लेकर एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी अदर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भूलना मत, हमारा चैनल है फिल्मी नेक्स्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।